अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हो मिस्टर गुरेजी व्लॉग्स चैनल। अभी तक आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो वो भी देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको पता है जब मैं गुरेज से बांडीपुर आया, मैंने कुछ व्लॉग्स डाले थे, उसके बाद मैंने आपको बोल दिया था मेरा मेमोरी कार्ड जो था वो करप्ट हो चुका है, अब दूसरा मेमोरी कार्ड लाना पड़ेगा। मेमोरी कार्ड ढूंढने की कोशिश की मैंने बांडीपुरा में, वहाँ पर मुझे मेमोरी कार्ड कोई भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं श्रीनगरी जाऊंगा, वहीं से देखते हैं अगर हमें मेमोरी कार्ड मिलेगा तो वहीं से व्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, एक्चुअली मैं व्लॉग भी अभी शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मिला मुझे मेमोरी कार्ड। आप बताइए आपकी शॉप की लोकेशन के बारे में। ये है रेजिडेंसी रोड पे, रिगल चौक है रेजिडेंसी रोड, शक्ति स्वीट यहाँ है, बिल्कुल उसके साथ हमारी शॉप है। जब बाहर की आप जो दिखाएंगे ब्रांडिंग, तो हर एक को एकदम समझ आ जाएगा ब्रांडिंग देख के बाहर की ये कौन सी शॉप है। तो सर, अगर हमारे कोई व्यूवर्स यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे तो उनके लिए कोई डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? डिस्काउंट देते रहते हैं हम, सभी एमआरपी पे बेचते नहीं, हम देखते हैं हमें कितने का पड़ गया। लेकिन हमारा एक चीज रहता है, हम रखते हैं विद बिल आइटम, विद बिल। हाँ, हमारा कोई ग्रे आइटम नहीं है, इसलिए आप जैसे आप देख सकते हो अभी मैंने यहाँ से मेमोरी कार्ड परचेज किया, तो आप यहाँ से प्राइस भी देख सकते हो क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हमारे पास कैमरा इस टाइम सारे हैं ओरिजिनल विद वारंटी, हाँ जी, दो साल के वारंटी, 9, 10 और 11 भी आपके पास। 11 दोनों है। दो बैटरी इसमें, दो बैटरी चार्ज हो जाएगी आपको, और बैटरी, और ये हो गया आपका माइक अडैप्टर, माइक 3.5 mm। हाँ, थ्री। गाइस, अभी ये शॉप से निकलते हैं और मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा इस शॉप का, तो फिलहाल चलते हैं ये वाली लोकेशन से। ये रहा वही शॉप जहाँ से मैंने अभी मेमोरी कार्ड परचेज किया, बाकी आप यहाँ का भी थोड़ा व्यू देखे। सॉरी गाइस, मैं तो सुबह से व्लॉग नहीं कर पाया इसीलिए क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड जो था ना वो करप्ट हो चुका था, तो मैंने आपको पहले भी बोला मेमोरी कार्ड करप्ट था। दूसरा मैंने मेमोरी कार्ड लाया था टेम्परेरी शूट करने के लिए, उससे क्या होगा मतलब मेरा गोप्रो जो है ना वो हीटअप होने लगा ज़्यादा, तो उस वजह से मैंने फिर व्लॉग शूट नहीं किया। मैं गया था यहाँ पर शॉप में, मैंने सोचा अब मेमोरी कार्ड लेते हैं तो उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी मैंने मेमोरी कार्ड यहाँ से परचेज़ किया है, तो अभी हम यहाँ के थोड़े व्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, आज थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे लाल चौक को। तो फिलहाल यहाँ से चलते आगे की तरफ और आपको यहाँ के पूरे व्यूज दिखाते हैं। ये रही प्रताप पार्क, ये सामने। अब पहले अंदर जाएंगे इस पार्क में और यहाँ के व्यूज आपके साथ एक बार मैं शेयर करूँ इस प्रताप पार्क के। अभी आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, गाइज फाइनली अभी मैं इस पार्क के अंदर आ चुका हूँ। मैंने सोचा यहाँ के व्यूज आपके साथ भी शेयर करूँ एक बार, आप देखिए यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा एक बार अच्छी तरह से। ये देखें भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें अभी इस खूबसूरत व्यू के सामने थोड़ा एंजॉय करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तक मैं यहाँ पर बैठा, उसके बाद मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा आगे तक जाएंगे और आपको दिखाएंगे लाल चौक का फेमस घंटाघर, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी तरफ। गाइस,
पैगाम देना चाहते हैं? रैली से पैगाम देना चाह रहे हैं कि कश्मीर में अमन है। देखिए पहले यहाँ आज से 5 साल या 10 साल पीछे जाएं तो कोई ये तिरंगा हाथ में उठाने की जरूरत नहीं करता है, और यहाँ के हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो भी अपनी गाड़ियों में तिरंगा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इस जो तिरंगे से आज की रैली से हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो आपको भी मालूम है कि आपके होते हुए भी लाल चौक में इस घंटाघर के सामने किसी के हाथ में तिरंगा नहीं हुआ करता था। तो आज अमन है, भाईचारा है और सब कुछ है, और इंशाल्लाह खुशहाली आई भी है और आएगी भी। गाइस मुझे यहाँ पर एक टूरिस्ट मिला हरियाणा से, तो आपसे पूछेंगे पहले आपको कश्मीर कैसा लगा? बढ़िया लगा। तो कश्मीर के लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत मिलनसार लोग हैं। बड़ा जोर से बोले क्योंकि हमारे व्यूअर्स को आज साउंड आ जाएगी। बहुत मिलनसार लोग हैं, प्यार से बात करते हैं सब और रिस्पेक्ट से करते हैं। एक के मैं घर भी गया था तो नाश्ता करके आया हूँ अभी। उनका मेहमान नवाजी थी, वो बहुत बढ़िया थी और सब हेल्पफुल है, यानी कि अच्छा लगा। अभी हम यहाँ के लाल चौक के फेमस घंटाघर के पास है, तो अभी आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है, मतलब क्या फीलिंग्स है आपके? मतलब सुना था जैसे न्यूज़ वगैरह में देखा करते थे तो आने का मन था, और आज जैसे रक्षाबंधन तो भीड़ बहुत है इधर, तो भी झंडा ले रखे तो मैंने ही फोटो करा ली। तो लास्ट में आप अपने हरियाणा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस जैसा न्यूज़ में चलती रहती है वैसा नहीं है यहाँ के लोग, और मसला भी इतना नहीं चलता रहता, और अच्छा है, घूमने की अच्छी जगह है और लोग बड़े अच्छे हैं। तो सर मैं आपको प्रेफर करूँगा ब्रिज वैली। तो ब्रिज वैली बता रहा था यार, उसका थोड़ा बताओ ना आइडिया। जी मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो आप ज़रूर विजिट करें वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, हेल्पफुल पीपल्स। आपने इससे पहले ब्रिज वैली के बारे में सुना था? अभी मेरे को यहाँ के एक लोकल बंदे वो चंडीगढ़ रहते हैं जी, उन्होंने मेरे को कल ही बताया कि ब्रिज वैली में कहते ऑफ बीट जगह है और कैंप वगैरह हैं ऊपर, और सही जगह है। और यहाँ से भी देखिए जितने भी शॉप्स यहाँ से भी हैं ना, उन सब में आपको कपड़े मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आगे तक भी मैं जाऊँगा, आपको अच्छी तरह से दिखाऊँगा। ये देखें इस तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको फ्लावर्स भी मिलेंगे, ये देखे। ये देखें आपको यहाँ पर कंबल में भी मिलेंगे, सब कुछ आइटम मिलेगा इस मार्केट के अंदर आपको। बहुत सारे शूज़ हैं, चप्पल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस फोटो से मार्केट को अच्छी तरह से देखा होगा। तो फिलहाल इस मार्केट से निकलते हैं, तो चले निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ से मेमोरी कार्ड ले लिया है, मेरा मेमोरी कार्ड ख़राब हो चुका था इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तो मैंने यहाँ से लाल चौक से वो मेमोरी कार्ड ले लिया, तो मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ से निकलेंगे बांडीपोरा को। तो इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं और एक नए स्पेशल व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़।